उत्तर प्रदेश में अपराध दिन ब दिन अपने हाथ फैलाता ही आ रहा है। शनिवार को उस वक्त हरदोई शहर में हंगामा ही मच गया जब हरदोई शहर कोतवाली इलाके के नई सिविल लाइन में एक महिला की मृत्यु हो गई। मामला फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हत्या है या आत्महत्या। मामला हरदोई नई सिविल लाइन का है जहां लोगों को सुबह गोली चलने की आवाज आई और कुछ देर के बाद पता चला कि इस गोली का शिकार थी सत्यम मिश्रा की पत्नी दीपिका मिश्रा, जिसके सर में गोली लगी थी, जिस वजह से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लड़की के मायके वालों ने ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए पति को ही हत्यारा बताया है और शंका ये है कि ये हत्या अवैध रिवॉल्वर से की गई है। मौके पर पहुंची शहर पुलिस की टीम ने दीपिका के शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। शहर थाने के क्षेत्रीय अधिकारी ममता कुरिल ने बताया कि फिलहाल वो सभी परिस्थितियों का जायजा ले रही हैं और हत्या या आत्महत्या के कारण स्पष्ट तब होंगे जब जांच पूरी होगी। सुबह 8 बजे सूचना मिली थी तो हम उसके पति ने आकर सूचना नाम सुनील कुमार तो सत्यम मिश्रा और उनका कहना था कि उनके पति ने गोली मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच करके अधिन करते क्या मोटिव कर रहा है ये तो अब जांच करने के बाद पता चलेगा क्या मोटिव था। ये सूचना से हम पति करा देंगे। दरअसल सत्यम को उसकी बुआ ने गोद लिया था और वह अपनी पत्नी दीपिका के साथ उन्हीं के मकान में नई सिविल लाइन में रहता था। घटना स्थल पर सूचना मिलने के बाद पहुंचे दीपिका के मायके वालों ने दीपिका के पति पर ही दीपिका के हत्या का आरोप लगाया है। दीपिका का नाम दीपिका मिश्रा है और इसकी शादी 2007 में हुई थी। ये लड़का जो इसका हस्बैंड था वो अय्याश किस्म का आदमी है, दारू पीता था, अय्याशी करता था। जब ये मना करती थी तो इससे झगड़ा और प्रताड़ित करता था इसको। हम लोगों को मन में नहीं चला है। हम लोगों को ये सुबह बाद में बताया कि जब गोली मार दी तब हमको बताया कि उसने गोली अपने आप मार ली। मतलब एक लड़की अपने आप गोली मार सकती है, आप सोच सकते हो। दीपिका के भाई श्याम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्यम का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था, जिसके चलते वह आए दिन अपनी पत्नी दीपिका को प्रताड़ित किया करता था। अय्याशी की आदतों की वजह से पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होती थी और इसी वजह से सत्यम ने दीपिका की हत्या की होगी। मामला कुछ भी हो, कहते हैं पति पत्नी के बीच लड़ाई उनके बीच प्यार को बढ़ाती है, किंतु अगर मामला हद से बढ़ जाए तो अंजाम ये भी हो सकता है। इसे सोचकर ही लोगों के माथे पर शिकन आ रही थी। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।